वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज बिग बॉस 17 के इस सीजन के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज द ओपी मुनव्वर फारूकी अपने फुल ऑन रजाक मोड में थे और एक एक लाइन जो मुनव्वर फारूकी ने आज घर के अंदर बोला, लगभग सारे के सारे जो डायलॉग्स थे वो माइक ड्रॉप मोमेंट्स थे। कम से कम एक बार अंकिता लोखंडे ने माइक ड्रॉप बोला, एक बार काफ़ी सारे लोगों ने मिल के माइक ड्रॉप बोला, एक बार विकी जैन ने माइक ड्रॉप बोला। तो मुनव्वर फारूकी एक के बाद एक जिस तरह से जोकर की धज्जियां लिटरली चीथरे उड़ा दिए जोकर के आज, वो देखने लायक था। और मेकर्स ने भी मौके पर चौका मारता हुआ, हम लोगों ने ट्वीट करके एक सजेशन दिया था कि जोकर को जो इतना उसने सलमान खान और इस शो का डिसरिस्पेक्ट किया है, इतना उसके अंदर अहंकार है, तो उसका इविक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको घर वालों से मिलने का भी मौका ना मिले, वो एक्टिविटी रूम से ही बाहर चला जाए। और मेकर्स ने हमारी बात को सुना और बिल्कुल वैसा ही एक इविक्शन प्लान किया जहां उसको घर वालों से मिलने तक का मौका नहीं मिला। कहा जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, उसका भी अहंकार टूट गया था, जबकि वो इतना बड़ा विद्वान था, इतना पावरफुल था। तो ये जोकर जैसे लोग किस खेत की मूली है जो बिना फर्जी का अहंकार एक मुँह से कोई सेंसिबल लाइन नहीं बोल सकता, न झगड़े में कोई पॉइंट बोल सकता है। जो मुनव्वर फारूकी के पुराने डायलॉग्स हैं या किसी और कंटेस्टेंट के पुराने डायलॉग्स हैं उसी को रिपीट करता है। जब चिंटू लड़ रहा था तो उसको मुनव्वर फारूकी का डायलॉग कॉपी करके बोलता है कि तुझे मैं टनल तक छोड़ के जाऊंगा, जो कि मुनव्वर ने बोला था। उसके पास अपनी खुद की फैन फॉलोइंग तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्विस के फैंस के भरोसे वो अंदर में जो भी भौंक पाता था वो भौंक पाता था। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई टैलेंट, ना पर्सनैलिटी, ना कोई स्टैंड। आज जाते वक्त उसने मनारा चोपड़ा का जो गुणगान किया वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ एक मनारा थी जिसने उसकी जगह अभिषेक का नाम लिया। अगर मनारा ने भी जोकर का नाम लिया होता तो वो उसकी भी कोई इज्जत नहीं करता, उसको भी उतार के या उसके बारे में भी सबके बारे में बुरा बोल के ही जाता है। खैर, बुरा भी बोलना उसके लिए शब्द चाहिए, उसके लॉजिक चाहिए, दिमाग चाहिए, उसको बुरा तक बोलना नहीं आता किसी के बारे में। मैक्सिमम जो वो कर सकता है किसी के बीवी पे, किसी के बेटे पे, किसी की वाइफ पे, बस ये पर्सनल जाके कुछ बोल सकता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। एकदम से जोकर जो था वो जोकर ही था, थैंकफुली उसका जो है और बेइज्जती होने से बच गया। उसके लिए भी अच्छा है कि अच्छा खासा पैसे कमा लिए 10 हफ्ते तक, अब वो घर के बाहर गया। आज जिस मूड में मुनव्वर फारूकी दिखाई दिया, अगर सेम मूड वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर कोई भी नहीं है, कोई टिकने वाला ही नहीं है। और कल के एपिसोड में भी सेम मूड देखेंगे जहाँ पर नॉमिनेशन टास्क हुए हैं। नॉमिनेशन टास्क की डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो में ही बता देंगे, सारा कैसे हुआ, कौन कौन नॉमिनेट हुआ। इस बार मुनव्वर फारूकी नॉमिनेट हुए हैं, तो जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं सबको एकदम से जियो सिनेमा ऐप का सर्वर हैंग कर देना है। वोटिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके बताइए, हमें ट्विटर पे पूछिए, हम आपको वोटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम 100% उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो वोटिंग जब कल रात से स्टार्ट होगी जहाँ पर मुनव्वर नॉमिनेटेड है, मुनव्वर को वोट कैसे करना है उसके बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब लौटते हैं आज के रिव्यू पे। आज के जो मुनव्वर्स के कुछ पंच लाइन्स थे वो जैसे स्टार्टिंग में मुनव्वर ऐसे सोने की एक्टिंग करता है और कहता है विकी भाई सोने दो, विकी बोलता है क्यों, कहता है मुझे मेरे फैंस बचा लेंगे, फिर विकी बोलता है माइक ड्रॉप। उसके बाद जो जोकर है वो मुनव्वर को मुन्ना 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 करके ऐसे इशारा करता है, तो मुनव्वर ने कहा भाई मुन्ना मुन्ना मत कर, ये मुन्ना तेरे सर पर चढ़ के तेरे कान में मूतेगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त माइक ड्रॉप मोमेंट था। उसके बाद रात को जब झगड़ा हो रहा था, जबकि वो आयशा को आग लगाने की कोशिश कर रहा था मुनव्वर के खिलाफ, तो वो कहता है कि अबे कंधे चाहिए तेरे को, तेरे से बंदूक नहीं उठती, तुझे कंधे चाहिए बंदूक उठाने के लिए लुक्खे, तुझे तो मैं दूर से खा जाऊंगा, जा जाके बिकी भैया के गोद में सो जा, वो तेरे को लोड़ी सुनाएंगे। उसके बाद मुनव्वर फिर बोलता है कि अबे लुक्खे तेरे से ज़्यादा वजन तो मेरे हेलमेट में है, तो जोकर कहता है उखाड़ ले जो उखाड़ना है। उसके बाद मुनव्वर कहता है अबे क्या उखाड़ने की बात कर रहा है, 1.25 किलो का तो है तू, तेरे को क्या उखाड़ने की तू बात कर रहा है। उसके बाद जब नॉमिनेशन वाली बात पता चलती है तो मुनव्वर करता है आज मैं ऊपर अनुराग बस के नीचे, फिर उसके बाद झगड़े में ही मुनव्वर फारूकी बोलता है तू जिसका फ़ैन है ना वो मेरे फ़ैन है, तो जहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता ना वहाँ मैं बैठता हूँ। उसके अलावा एक और मस्त लाइन थी कौवा वाला, अगर आपको नहीं समझ में आया कौवा वाला क्या रेफरेंस है, घर के अंदर गार्डन में एक कौवा आ जाता है हर रोज़ सुबह, उसके साथ जो है ना थोड़ा सा मस्ती करता था ये जोकर, उसको कुकू कुकू करके बोलता था, तो मुनव्वर ने उसको रेफरेंस लेते हुए वो जो कौवा आता है ना घर में उसमें बांध के तेरे को उड़ा दूंगा, और मुनव्वर ने सच में उसको उड़ा भी दिया। तो ये पूरा का पूरा जो इविक्शन था वो मेकर्स का मास्टरमाइंड प्लान था,
मुनव्वर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। मुनव्वर तुरंत हिंट समझ गया कि मेकर्स क्या चाहते हैं, और उसके बाद आज घर में सबने उसके मुंह पर, यहाँ तक कि जोकर आजकल सबसे ज़्यादा आयशा और अभिषेक के साथ बैठ रहा था, सबसे पहले अभिषेक ने भी उसको बोल दिया कि भाई गेम के अकॉर्डिंगली तो तू यहाँ डिजर्व नहीं करता, फिर आयशा भी उसको बोल देती है गेम के अकॉर्डिंगली तू इस घर में डिजर्व नहीं करता। तो घर के अंदर जितने भी 11 लोग थे, 11 में से 10 के 10 लोग उसके मुंह पर बोल चुके थे कि अकॉर्डिंग टू गेम तू इस घर में रहना डिजर्व नहीं करता। इवन जो उसके दोस्त अभिषेक और आयशा जो कि अभी रिसेंटली उससे बात करते थे, उन्होंने भी कह दिया कि गेम के अकॉर्डिंगली तू यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करता। इन सब के बीच में फिर आयशा जब घर में आती है, उसके बारे में भी अब थोड़ी बात कर लेते हैं। आयशा घर में आई, वो आके मुनव्वर को इग्नोर कर रही थी, पर फिर वो कहती है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करना, मैं बाहर जाके देख लूँगी। पर फिर अभिषेक से इसी बारे में टॉपिक पे मुनव्वर के और कि वो आदमी झूठा है ऐसा वैसा इसी टॉपिक पे वो बात कर रही है, पीठ पीछे हर जगह जाके वो इसी टॉपिक पे बात कर रही है। पर मुनव्वर फारूकी ने जब अंकिता को बोला कि वांदा नहीं, अगर नहीं बात करती नहीं बात करती, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो एटीट्यूड था मुनव्वर का ना, वांदा नहीं वाला, ये एटीट्यूड बहुत अच्छा था। मुनव्वर को सेम एटीट्यूड आयशा के साथ रखना चाहिए। और मुनव्वर के जितने भी फैंस हैं, अभी तो खैर मुनव्वर खुद नॉमिनेशन में है तो कुछ सोचने का इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, आंख बंद करके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को वोट करना है। लेकिन इसके बाद अगर मौका जैसे ही मिलता है अगले वीक में, आप लोगों को आयशा को इविक्ट कर देना चाहिए। हालांकि अगला वीक थोड़ा लेट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड के वार के बाद नेक्स्ट वीक जो है उसमें फैमिली वीक हो सकता है, और वो फैमिली वीक जो है अगर नेक्स्ट में नहीं होगा तो 14 से 21 वाला जो वीक आएगा, क्योंकि 28-29 को फिनाले है, तो 14 तारीख से 21 तारीख का जो वीकेंड वीक आएगा उसके बीच में फैमिली वीक हो सकता है। तो उससे पहले अगर आयशा चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके घर वाले आएंगे, वो मुनव्वर को और टोंट वोंट मारने की कोशिश कर सकते हैं। पर एनीवे वो तो जो भी सिचुएशन आएगा देखेंगे। इस वीक पे तो आपको बस आँख बंद करके मुनव्वर को वोट करना है। उसके अलावा आज के एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। मनारा चोपड़ा जो है एक नंबर की डंब है। सबसे एक और जोक जो था वो ईशा मालवीय मारती है। ईशा मालवीय कहती है कि मुनव्वर में मेरा कोई गेम नहीं दिखता, उसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं दिखता। अरे मैडम तेरा गेम क्या है ईशा जी? ईशा जी आपका सिर्फ गेम इतना है पू 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 करके आप गोद में घुसे रहते हो, या तो चिंटू के या अभिषेक से जाके मीठी मीठी बात करोगे, कभी उससे लड़ाई करोगे। चिंटू और अभिषेक के अलावा इस गेम में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप कहीं पे भी नहीं है। और आप मुनव्वर के बारे में बोल रही हैं, डे वन से लेके पूरा का पूरा शो ही मुनव्वर के बारे में है। ये पूरा का पूरा बिग बॉस 17 का जो सीजन है, ऐसा लगता है कि मुनव्वर एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट है एक मूवी का, और उसके इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर हैं। जिस फिल्म में कोई भी हीरोइन नहीं है, बस सारे के सारे उसके दोस्त, दोस्त के दोस्त, दुश्मन, उसके अब बुरा चाहने वाले, कभी उससे इम्प्रेस होने वाला, कभी उससे जलने वाला, बस इतना ही कैरेक्टर बाकी सारे लोग प्ले कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा शो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के बारे में है। एक बार अगर आप रिकैप करके देख लेती पिछले 3 हफ्ते से, या तो मुनव्वर फारूकी को दिखाया जा रहा है एपिसोड में, या मुनव्वर फारूकी के बारे में बातें हो रही हैं। आज भी आप सिर्फ मुनव्वर के बारे में या तो बात करती हैं, या तो फिर मुनव्वर के साथ बैठ के बात कर सकती हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है घर में किसी के पास। स्टार्टिंग से चाहे वो नॉमिनेशन में मुशायरा के थ्रू मुनव्वर से करवाना हो, चाहे उसका स्टैंड अप शो हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ की बात हो, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के साथ ही होती है। जितने भी नॉमिनेशंस घर में हुए, जितने भी टास्क घर में हुए, सारे के सारे मुनव्वर फारूकी सिंगल हैंडेडली लाइमलाइट में रहता है और उस पर छाया रहता है। चाहे वो फर्स्ट कैप्टनसी का टास्क हो, चाहे उसका अरुण भाई को इम्यूनिटी दिलाने वाला टास्क हो, चाहे पावर से जिसमें हटाया गया था अंकिता ने जब मुनव्वर को हटाया था और रिंकू को पावर मिला था, हर एक टास्क में मुनव्वर फारूकी 100% छाया रहता है। इस सीजन में मुनव्वर फारूकी के आसपास भी कोई डिजर्व नहीं करता जीतना। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए आप लोग लड़ते रहें, उसके अलावा जीतने के लिए तो आप लोग कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आते। आप हर एक कंटेस्टेंट किसी की भी बात कर ले, चाहे अंकिता की बात कर ले जिसको कुछ लोग नंबर 2 पे देख रहे हैं। अंकिता पीठ पीछे मुनव्वर की बुराई भी करती है, मुंह पे अच्छा भी करती है, उसको डिफेंड भी करती है, उसके बारे में बुरा भी बोलती है, और उसके बाद दिन भर कम्बल रजाई ओढ़ के सोई रहती है वो भी सारा दिन। इसकी आप बात करेंगे, कोई भी टक्कर में मुनव्वर के हैं ही नहीं दूर दूर तक। तो ये तो पूरा का पूरा सीजन सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के बारे में है। अब और आज के एपिसोड में क्या था? आज के एपिसोड में इसके अलावा और कुछ नहीं था, पूरा का पूरा मुनव्वर फारूकी छाया हुआ था एकदम से। कम्प्लीटली आज के एपिसोड को रूल किया मुनव्वर फारूकी ने। तो आज के एपिसोड के बारे में बस इतना ही। कुछ अगर आपको लगता है हमने पॉइंट मिस कर दिया तो आप कमेंट कीजिए, हम डिस्कस कर सकते हैं उस पे। अब बात कर लेते हैं आज जो घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ है। आज जो घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ उसमें एक्टिविटी रूम को एक चेन रिएक्टर में बना दिया गया था,
और मेकर चाहते थे कि ओरा भी नॉमिनेशन में आए, तो इसलिए ओरा को कहा गया कि आपको स्पेशल पावर एक मिलता है कि आप इस चेन रिएक्टर का पहला नॉमिनेशन आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपकी कैप्टनसी आज खत्म होती है और आप भी नॉमिनेट हो सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी एक पावर हमने दे दिया था जिसमें कि जोकर घर गया है, आपको एक स्पेशल पावर मिल गया था नॉमिनेशन का। तो हालांकि फिर से आपको एक पावर दे रहे हैं, आप सबसे पहला नॉमिनेशन आप करेंगे। तो ओरा जो है वो नॉमिनेशन स्टार्ट करता है, ओरा सबसे पहले आयशा को नॉमिनेट करता है। अब आयशा जाती है, आयशा फिर से ओरा को नॉमिनेट कर देती है क्योंकि वो एलिजिबल है नॉमिनेशन के लिए, तो आयशा चेन रिएक्शन में दूसरा नाम ओरा को देती है। फिर ओरा आता है, ओरा दूसरा नाम अभिषेक का देता है। फिर अभिषेक आता है, अभिषेक नॉमिनेट करता है चिंटू को। चिंटू आता है, चिंटू नॉमिनेट करता है मुनावर को। मुनावर आता है, मुनावर नॉमिनेट करता है आपके अरुण भाई को। यहाँ पे चिंटू, अभिषेक, ईशा, इस पर काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। मुनावर और अरुण भाई के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है जो आपने प्रोमो में भी देख लिया होगा। उसके बाद जब अरुण भाई और नॉमिनेट होते हैं, यहाँ पे आके बिग बॉस टास्क को ख़त्म कर देते हैं। बिग बॉस को टोटल 6 नॉमिनेशन आज चाहिए थे, चाहिए तो उनको 5 ही था लेकिन 6 मिल गए उनको क्योंकि ओरा को 2 बार आना पड़ा। ओरा भी नॉमिनेट जो आयशा ने ओरा को फिर से कर दिया, तो इसकी वजह से 6 लोग नॉमिनेट होते हैं। उसमें है आपका ओरा, आयशा, चिंटू, अभिषेक, मुनावर और अरुण। ये 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं। कल रात से वोटिंग लाइंस खुल जाएंगी, आप लोग आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पे ध्यान दीजिए। जितने भी मुनावर फारूकी के फैंस हैं, खुद के फ़ोन से वोट कीजिए, अपने रिलेटिव्स के फ़ोन से वोट कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जियो है, एयरटेल है, कुछ भी सिम है, आपके पास इंडिया का नंबर होना चाहिए और आप जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आप बिग बॉस सर्च कीजिए, बिग बॉस के अंदर में जाइए, वहाँ पे एक वोटिंग का ऑप्शन होगा, वोटिंग में जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। अभी इस वक्त आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, कल रात से जब वोटिंग लाइन ओपन हो जाएगा तो फिर हम आपको कल के रिव्यू में भी बता देंगे और हम एक वीडियो भी बना देंगे कि किस तरह से आपको वोट करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है हमारे ट्विटर पर हमसे पूछिए या हमारे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको उसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर कर सकें। तो बस इसके साथ ही आज के वीडियो को एंड करते हैं। मुनव्वर भाई आज एकदम रजाक मोड में बहुत ज़बरदस्त थे, कल भी आपको सेम मोड में देखने को मिलेंगे। लाइव फीड का इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, वो आयशा को इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।